हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ODLS एकेडमी। आप सब कैसे हैं? आई होप स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ संजय प्रजापति। गाइस, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा ODLS एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। ओके गाइस, जिस भी स्टूडेंट को कोचिंग की ज़रूरत है और जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाता है, उनको आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे गाइस। ओके, आज हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। बट नोमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके गाइस, आइए हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिकल सब्सटेंस से स्टार्ट हुई। ओके गाइस, आई होप आप लोग को सब्सटेंस क्या होती है पता होगा। केमिकल सब्सटेंस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू निकोलस। पहला है जिसमें मिनरल सब्सटेंस, दूसरा है वेजिटेबल सब्सटेंस, तीसरा है एनिमल सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस को मिनरल्स के सोर्स से प्राप्त किया जाता है वो क्या होती है? मिनरल सब्सटेंस होती है। ओके, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है? मिनरल्स की सब्सटेंस है। ओके गाइस, मिनरल सब्सटेंस इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, राइट? सेकेंड है वेजिटेबल सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस को वेजिटेबल सोर्स से प्राप्त किया जाता है वेजिटेबल सब्सटेंस कहलाती है, जैसे कि शुगर, सिट्रिक एसिड। जो शुगर होती है गन्ना चुकंदर से प्राप्त किया जाता है, और जो सिट्रिक एसिड होता है वो लेमन में पाई जाती है। ओके गाइस, थर्ड एनिमल सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस को एनिमल्स के सोर्स से प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे कि एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? एक एनिमल्स के ब्लड में पाई जाने वाली सब्सटेंस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल सब्सटेंस कहते हैं। जिलेटिन एनिमल्स की बोन्स में पाई जाती है। ओके, केमिकल सब्सटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि जिस भी चीज पे जीव होती है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये सब पे प्राप्त होने वाली कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि शुगर, मिल्क, ये सब क्या है? प्लांट से या एनिमल से क्या होती है? ऑब्टेन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके गाइस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोर्स से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मिनरल्स के सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि मिनरल्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसमें जीव नहीं होती है वहां से पाई जाने वाली कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके गाइस, आइए आगे देखते हैं बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी। बर्जेलियस पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। ओके गाइस, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करने वाले साइंटिस्ट बर्जेलियस थे, जिन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें नेचर में एक मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ओके, जो भी चीज़ें नेचर पे मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा क्या करती है? एग्जिस्ट करता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाली कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं गाइस। मिस्टीरियस फोर्स को बर्जेलियस क्या बोले थे? वाइटल फोर्स कहे थे। और इन्होंने बताया था कि जो भी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लैब द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यानी आर्टिफिशियल रूप से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं देख सकते हैं। ओके गाइस, इस थ्योरी को इन्होंने क्या कहा? वाइटल फोर्स थ्योरी कहा, राइट? आगे देखते हैं कि एक जर्मन साइंटिस्ट होलर आए 1828 पे।
जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन लैब में किया और वो कंपाउंड किया था आपका यूरिया रहा। ओके गाइस, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि यूरिया का प्रिपरेशन किया था। अमोनियम साइनेट से यूरिया का प्रिपरेशन इन्होंने लैब पर किया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का प्रिपरेशन कहाँ पे किया था, लैब पर, और बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे फेल हो गया। ओके गाइस, आइए हम लोग देखते हैं अमोनियम साइनेट से यूरिया का प्रिपरेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे गाइस अमोनियम साइनेट NH4CNO अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट कराया गया और यहाँ पे यूरिया यानी कि NH2C डबल बॉन्ड ONH2 मिला। राइट, अमोनियम साइनेट से जो यूरिया प्राप्त हुआ वो एक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड रहा गाइस। इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन लैब पर किया गया था। ओके गाइस, आइए हम लोग देखते हैं फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसे हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन भी कहते हैं। ओके गाइस, तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बोलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से यानी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से राइट बने कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। यानी कि मेन कार्बन की जो चेन पे, जो मेन कार्बन की कंपाउंड पे चेन बनेगी वो हाइड्रोजन और कार्बन की बनेगी। राइट, एंड देयर डेरिवेटिव पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ भी ग्रुप हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओके, या फिर एल्काइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, तो ये सब क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे। यहाँ पे आप हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल देख रहे होंगे, जैसे ब्यूटेन, यहाँ पे देख रहे होंगे पेंटेन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही सिर्फ बना है। ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओके गाइस, आगे आइए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के कुछ डेरिवेटिव। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि R के साथ सीधा Cl या Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो R दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे जो Cl दिखाई पड़ रहा है एक हाइलोजन ग्रुप है। तो गाइस इस तरह से हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड, यानी कि RCl को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक क्लोराइड, और RBr को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक ब्रोमाइड। ओके गाइस, यहाँ पे आप सेकेंड एग्जाम्पल में एल्कोहल देख रहे होंगे, जो एल्काइल ग्रुप पे एक ओ ग्रुप जुड़ा है और ओ से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, एच। तो एल्कोहल क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव है गाइस, जिसको हम लोग सेपरेटली 12th पे 11th पे पढ़ेंगे। ओके, हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आप सेकेंड देख रहे होंगे इथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, कीटोन्स, ये सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। ओके गाइस, इनको हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे गाइस। ओके, और यहाँ पे आप एक बॉक्स पे देख रहे होंगे कि एमाइन्स ग्रुप दिख रहा है, जो नाइट्रोजन के साथ एक R जुड़ा हुआ है और दो H जुड़ा हुआ है। R मतलब एल्काइल ग्रुप, अगर नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमाइन्स कहते हैं 1 डिग्री की। यदि नाइट्रोजन के साथ दो R और एक H हो, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 डिग्री की एमाइन्स कहते हैं। यदि नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप दिखे, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो, तो उसे हम लोग 3 डिग्री की एमाइन्स कहते हैं। ओके गाइस, आपको मेरा यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा गाइस। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो समझ में आया या नहीं आया।
यदि गाइस आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो भी मुझे बताइएगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, ताकि हमारा आगे की उत्साह बना रहे और हम आगे आपके लिए और भी ऐसे वर्क करते रहेंगे गाइस। थैंक यू गाइस।